नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई। एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गए हैं और आज का जो प्रोडक्ट रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसे अभी गर्मी आने वाली है, गर्मियों में मच्छर मक्खी तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसी का उपाय हम आज लेके आए हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एक इंसेक्ट किलर है। तो जल्दी से एक बार इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है। ये इस तरह का बॉक्स है भाई। ठीक है, एस्कॉन कंपनी का है दोस्तों। ये बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हमें मिल जाता है वारंटी कार्ड। ठीक है, 1 ईयर की वारंटी आती है इसमें। वैसे कोई इसमें ख़राब होने वाली चीज़ होती नहीं है। और हाँ, वारंटी में इसमें ट्यूब कवर नहीं होती है। ये हमारा प्रोडक्ट है, देख सकते हो आप। इसके अंदर दो ट्यूब लगी होती है दोस्तों, एक तो इस साइड में ये रही और एक दूसरी साइड में। दूसरी साइड में ऊपर है और इस साइड में नीचे है। ठीक है, ये पावर बटन है भाई। और ये सेफ्टी के लिए ग्रिल लगा रखी है आगे, ताकि कोई हाथ वाथ ना दे इसमें। वैसे इस पे लिख भी रखा है, यहाँ पे डेंजर का साइन बना रखा है, आप देख सकते हो। और लिख रखा है हाई वोल्टेज, डू नॉट टच द ग्रिड व्हाइल ऑन, यानी कि जब ये चलता है तो इसको हाथ मत लगाओ, ऐसी इसमें सूचना लिख रखी है। यहाँ पे ये कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, एस्कॉन फ्लाई किल ट्रैपर, टेस्टेड ओके है। और इसकी बैक साइड की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दो होल मिल जाते हैं दीवार पे टांगने के लिए। ठीक है, और एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। अब ये किस लिए है? यहाँ पे दोस्तों हम कुछ रस्सी वगैरह इसमें से डाल सकते हैं, जिससे ये आराम से लटकाया जा सके। ठीक है, और यदि दीवार पे कहीं पे एक जगह फिक्स करना है तो हमें ये यूज़ करने हैं, और ये है रस्सी के यूज़ करने के लिए। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं। ओ हाँ, ये देखिए दोस्तों, इसमें हमें मिल जाता है, ये इसकी ट्रे है भाई। ये जहाँ जो भी मच्छर मक्खी मरते हैं वो इसमें जमा होते जाते हैं, ये इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये ऐसे लगा देंगे, ये सेट हो गई है। और जब ये भर जाए तो इसको आराम से निकाल के धो भी सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं आसानी से, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इसकी पावर कंजम्पशन की बात करें दोस्तों, तो ये 30 वाट की है। ठीक है, वारंटी में ये ट्यूब इंक्लूड नहीं होती। यदि ट्यूब फ्यूज हो जाती है तो वो आपको खुद चेंज करानी पड़ेगी। ठीक है, वैसे इसमें कुछ ख़राब होने वाली चीज़ होती ही नहीं है। यदि वायर क्वालिटी की बात करें दोस्तों, ये जो प्लग है काफ़ी ड्यूरेबल है, हैवी चीज़ है, नॉर्मल प्लग में लग जाता है, पावर बटन की ज़रूरत नहीं है। और ये वायर क्वालिटी लेंथ भी बहुत बढ़िया है भाई, कितनी ऊंचाई पे प्लग हो आप आराम से यूज कर सकते हो, और क्वालिटी भी अच्छी है केबल की। ठीक है, और एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो बॉक्स पे लिख रखी है, इस पे लिख रखा है पावर कोटेड बॉडी पैंट। इसकी दोस्तों फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो बॉडी पैंट है ना वाइट कलर का, बिल्कुल स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि चीप सा लगे, क्वालिटी प्रोडक्ट है। और पावर सेवर है, ज़्यादा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं है इसका, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों हेल्थ पे। तो दोस्तों अभी हमने इसको प्लग इन कर दिया है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अभी इसको ऑन करते हैं और दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा लगता है। यहाँ पे ये पावर ऑन बटन, पावर बटन दे रखा है, इसको ऑन करते हैं। ये देखो लाइट जल गई है और ब्लू कलर की एलईडी है, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखो, ठीक है,
फिनिशिंग भी अच्छी लग रही है दोस्तों, आप इसका ओवरव्यू देख सकते हो। यहाँ पे ये एक ट्रे दे रखी है इसकी, ये देखो यहाँ पे आइए, इसको आराम से निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखी भी होगी, होटल में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में काफ़ी लगी रहती है, ऑफिस वगैरह में भी, घर में, किचन में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप इसको। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।